राजा राममोहन रॉय ने ये किताब लिखी है अ गिफ्ट ऑफ मोनोथीस फेमस बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इसको लिखा है जॉन मेनार्ड कीन्स नाना बॉय पालकी वाला की बुक है वी द पीपल इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनर एक्चुअली एक बुक है विकास स्वरूप जी का आई एफ एस ऑफिसर क्वेश्चन एंड आंसर जिसपे बेस्ड

रिडेम्शन का मतलब होता है रिकवरी करना रिक्लेमेशन करना स्काई रॉकेट प्राइसेस फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गई है ऑफ अ प्राइस रेट या अमाउंट इंक्रीज वेरी स्टीपली और रैपिडली लखूना मतलब कुछ मिसिंग है वहाँ पे अ ब्लैंक स्पेस और अ मिसिंग पार्ट ब्लिस्टरिंग ब्लिस्टरिंग हीट भी हो सकती है ब्लिस्टरिंग क्रिटिसिज्म भी हो सकता है एक्सप्रेस्ड विद अ ग्रेट वहमेन्स हीट

पाकिस्तान अलाउस इंपोर्ट ऑफ कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया आज हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड पोटेंशियल क्या है ट्रेड एरियाज दिस दिस इज पाकिस्तान इज गेट डी डी फ्री डिश इंस्टॉल्ड टूडे दिस इज द सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन नाइनटीन एंटर द पीस प्रोसेस अफगानिस्तान टॉक एंड गेम स्टिल नो रिकग्निशन ऑफ द थर्ड टीयर फर्स्ट ईयर मतलब सेंटर सेकेंड ईयर मतलब स्टेट थर्ड थर्ट मतलब म्यूनसिपैलिटी और ग्राम पंचायत बट अभी भी इनको प्रॉपर रिकोगशन नहीं मिल रहा है यहां हम थोड़ा क्रिटिसिज्म देखेंगे दिस दिस फाइनेंस कमीशन का देन इज अबाउट एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे नॉर्म्स टू कैरी डेंजरस गुड्स टू बी रिवाइव्ड रिव्यू जैसे स्टाइरिन गैस हुआ था एलजी जी पॉलिमर विशाखापट्टनम तो इंडियन रेलवेज भी ऐसे कुछ नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अभी ला रहा है मिलिट्री फॉर्म्स फाइनली शट डाउन हो रहे हैं जो बाइडन का प्लान है सऊदी अरेबिया डाइवर्सिफाई होना चाहता है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया जीडीपी के प्रोडिक्शन किए हैं कोर आउटपुट का डेटा आया है दिस इज जम्बो रीओपनिंग बांधवगढ़ नेशनल पार्क सेफ्टी बाय एग्जाम्पल रोड सेफ्टी दिस इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फूड प्रोसेसिंग पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग है और इंडियन इकोनोमी का यहाँ पे कुछ डेटा एंड दिस प्रोडिक्शंस हैं हिंदी में आज हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116 सौ

महाराष्ट्र में सिचुएशन बहुत ग्रिम नजर आ रही है टेकिंग प्रिकॉशंस इज इम्पॉर्टेंट कॉरपोरेशन स्टाफ को ऐसे स्वाब सैंपल्स ले रहे हैं आर टी पी सी आर टेस्ट होता है ना वो ऐसे होता है ऐसे स्वाब कलेक्ट होते हैं फिर उसका आर टी पी सी आर टेस्ट होता है पुलिस पर्सनल का चेन्नई में कोविड नाइन्टीन का अपसर्ज है प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट द सेम टाइम अब वैक्सीनेशन भी सारे फोर्टी प्लस के लिए ओपन हो गया है सो इफ यू फिट इन टू दिस कैटेगरी तो वैक्सीनेशन तुरंत लेना है देन दिस इज़ अबाउट पाकिस्तान अलाउज़ इम्पोर्ट ऑफ कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया बिफोर दैट एक न्यूज़ ये भी था ऑल दो ये जंग हो गया है गवर्नमेंट शार्पली कट्स रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट कल ये न्यूज़ आया था बट आज सुबह ही आठ बजे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे एक ट्वीट करके बताया है कि ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये रेट कट्स की बात थी जैसे सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग, सेविंग स्कीम है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है किसान विकास पत्र है तो इस पर सरकार एक इंटरेस्ट रेट देती है तो सी इसमें शार्प कट्स हो रहे थे ये तो ये कल ट्वीट हुआ था बट आज मॉर्निंग में ही कहा है कि दिस इज़ नॉट ओके ये कैंसिल हो गया है तो दिस इज़ कैंसल्ड देन दिस इज़ शुगर फ्रॉम इंडिया कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया सी इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान पहले था यूनाइटेड इंडिया यूनाइटेड इंडिया में ये सब आता था दिस कंप्लीट यूनाइटेड इंडिया था फिर 1947 में ये पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ अब अपसी लुक एट द बॉर्डर हम कितनी लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं कितने सारे स्टेट्स हैं हमारे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो इंडस्ट्रीज़ में ना ऐसा देखा गया था कि जैसे फैक्ट्रीज एक जगह हो गई और ग्रोइंग रॉ मटेरियल दूसरी जगह हो गया यहाँ जूट था यहाँ पे जूट तो यहाँ कॉटन था यहाँ कॉटन की फैक्ट्रीज इस तरीके से ये जो डिवीजन किया था डिवीज़न मतलब पार्टीशन पार्टीशन हुआ था बिकॉज ऑफ़ दिस ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज के कारण तो बिकॉज ऑफ दिस इंडिया का इकोनॉमिकली यहाँ पे इंडिया को चैलेंजेस फेस करने पड़े थे बट देन उसके बाद भी ये एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान यहाँ पे पीसफुली ये अपनी इकोनॉमिक एंड दूसरी प्रोग्रेस को आगे करेंगे बट देन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं हुई यहाँ पे मिलिट्री रूल हो गया देन यहाँ पे टेररिज्म हो गया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो गया इसकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसे ही अच्छी नहीं है तो द थिंग इज़ इसके कारण इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाए एंड नॉर्मल नहीं रह पाए तो फिर ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है ट्रेड जैसे चाइना के साथ एक चीज़ अच्छी है कि चाइना में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे उससे ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होता है बट पाकिस्तान के साथ हमने देखा जैसे हमने इसे मोस्ट फेवर्ड नेशन भी कैटेगरी भी दिया था बट इसके बाद भी जब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कंटिन्यू होता है तो उसके कारण ट्रेड जो टाइज है उसको स्टॉप करना पड़ता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड एक्चुअल में स्टॉप हो जाता है ट्रेड होता है बट वो फिर इनडायरेक्ट और इनफॉर्मल चैनल से होता है जैसे यू एक डेस्टिनेशन हो जाएगा तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं होगा यू के थ्रू ट्रेड होगा तो ट्रेड है बट वो इनफॉर्मल ट्रेड बहुत ज़्यादा है और अगर इनफॉर्मल ट्रेड होता है तो वो रिकॉर्ड बुक्स में नहीं आ पाता है उसमें प्रॉपर टैक्सेशन पॉलिसी फॉर्मूलेशन ये डिफ़िकल्ट होता है तो जब भी ऐसी डिफिकल्टीज आती है ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिटवीन द टू कंट्रीज अपसी ट्रेड के अगर नंबर देखें जैसे अठारह उन्नीस में इतना था फिर देखिए दो बिलियन से सीधा आठ सौ सोलह मिलियन हो गया और दो हज़ार बीस इक्कीस में तो वन फोर्थ हो गया टू फोर्टी मिलियन ट्रेड हुआ इम्पोर्ट और दिट्स ना ट्रेड बैलेंस है तो द पॉइंट इज़ यहाँ की भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है पाकिस्तान की ट्रेड के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड में वो इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट क्या है एक्सपोर्ट मतलब इंडिया निर्यात करता है पाकिस्तान को कॉटन ऑर्गेनिक केमिकल प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स टैनिंग डाइंग एक्सट्रैक्ट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स बॉयलर्स मशीनरी ये मेजर एक्सपोर्ट है टू पाकिस्तान इंडिया करता है और इंडिया पाकिस्तान से इम्पोर्ट क्या करता है मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स डिस्टिलेशन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्टिलेशन एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स पील और सिट्रस फ्रूट्स और दिस मेलन्स देन सॉल्ट सल्फर पाकिस्तान इधर एक हिमालयन रॉक सॉल्ट भी होता है काफ़ी फेमस है सॉल्ट सल्फर अर्थ स्टोन प्लास्टरिंग लाइम एंड सीमेंट ओल्स स्लैग एंड ऐश रॉ हाइड्स एंड स्किन लेदर का तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये सारे पॉइंट्स हैं मेजर एक्सपोर्ट जो इंडिया पाकिस्तान को करता है और जो मेजर इम्पोर्ट पाकिस्तान से हम बुलाते हैं तो दिस इज द थिंग यहाँ पे जैसे अटारा वाघा बॉर्डर भी है इस सब से यहाँ पे ट्रेड होता है पिछले कुछ टाइम से ये ट्रेड ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया था वाई बिकॉज ऑफ दिस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अब हमने देखा पाकिस्तान अब यहाँ पे पीस की बात कर रहा है रीज़न ये भी है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लोन है वो उसको रीपे करने में बहुत डिफिकल्टी हो रहा है चाइना का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस हो गया है तो पाकिस्तान की सोवरेनिटी भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है सो पाकिस्तान ऑल्सो वॉन्ट्स कि उसका ट्रेड और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़े नॉर्मलाइजेशन हो रिलेशन विद इंडिया के साथ तो दीज आर द थिंग ये रिसेंट अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं अब ट्रेड इनफॉर्मल चैनल के थ्रू होता है तो यहाँ पे टैक्सेशन का लॉस होता है इंडिया ने एमएफएन स्टेटस दे रखा है पाकिस्तान को पहले दिया था कॉटन एंड शुगर में अब रिलैक्सेशन की बात है कॉटन एंड शुगर बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की प्राइस बहुत हाई हो गई है शुगर की प्राइस बहुत हाई हो गई है तो पाकिस्तान को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो वो इंडिया से कॉटन और शुगर चाहता है पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ का फंडामेंटलिज्म थर्ड प्रॉब्लम है फॉरेन इन्फ्लुएंस पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री कम ही नज़र आता है कभी यहाँ पे रशिया के अकॉर्डिंग चलता है प्रॉक्सी कभी चाइना की प्रॉक्सी कभी यूएसए की प्रॉक्सी सो फॉरेन इन्फ्लुएंस देयर देन डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान में अगर आप देखो जैसे म्यांमार में भी मिलिट्री कू हुआ है पाकिस्तान में भी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती वहाँ की मिलिट्री एक डिफरेंट मिलिट्री है सो दीज आर सर्टन थिंग्स पाकिस्तान अलाउज इम्पोर्ट ऑफ कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया तो इंडिया से वो इम्पोर्ट यहाँ पे चाहता है इंडिया से कॉटन और शुगर पाकिस्तान को सप्लाई सो दिस इज थर्ड न्यूज फॉर टूडे फ्रंट पेज नाउ लेट लेटेस्ट मूव फर्दर यहाँ पे एक न्यूज है अ वर्ड ऑफ एंटरटेनमेंट विद नो फी ये है डी डी फ्री डिश डी 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 मतलब सरकारी प्रसार भारती है इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है डायरेक्ट टू होम डी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम सर्विस ऐसे जैसे सैटेलाइट से डायरेक्ट दिस टी वी एटसेट्रा ब्रॉडकास्ट हो जाता है तो ये प्रसार भारती है नाउ ये एडिटोरियल है द सेकेंड वेव द सेकेंड वेव फर्स्ट वेव आई थी कोविड नाइनटीन की लास्ट ईयर अब सेकेंड वेव आ रही है सेकेंड वेव भी बहुत डेंजरस और डेडली नजर आ रही है वी के पॉल साहब हैं मेम्बर हैं नीति आयोग के हु हैज़ बीन इन द फोर फ्रंट ऑफ पब्लिक कॉम्युनिकेशन ऑन ऑल मैटर्स ऑफ कोविड नाइन्टीन इन्होंने डिस्क्राइब किया है सिचुएशन बैड से वर्स हो सकती है मोर वैक्सीनेशन जरूरी है शार्पनिंग ऑफ इंडियाज कॉम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी एसेंशियल है कॉम्युनिकेशन मतलब सरकार जो भी काम कर रही है कोविड की जो भी सिचुएशन है चाहे वो वैक्सीनेशन हो डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी हो स्पाइक हो एनीथिंग कम्युनिकेशन ज़रूरी है प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है न्यू वैक्सीन्स must be cleared फॉर इमरजेंसी यूज as इंडिया बैटल्स अ न्यू सर्ज नंबर ऑफ cases राइजिंग केसेस जब डिप होते हैं तो ये हमने ट्रेंड देखा कि सभी क्रेडिट लेने में आगे आ जाते हैं कि बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी या सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन मेकर क्रेडिट सबको चाहिए बट जब केसेज अप होता है तो ब्लेम गेम चालू हो जाता है दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडिड बिकॉज कोविड नाइन्टीन को डिफीट करना है तो वी नीड टीम एफर्ट देन दिस इज एंटर द पीस प्रोसेस ये बात है सेकेंड एडिटोरियल में सेकेंड एडिटोरियल है एंटर द पीस प्रोसेस एंड गेम आ रहा है अफगानिस्तान में अफगानिस्तान अफगानिस्तान को बोलते हैं ग्रेवियार्ड ऑफ एम्पायर नो योर सेल्फ नो योर एनिमी बट अब ऑल नो द ट्रेन और जो अफगानिस्तान की ट्रेन है ना वहाँ पे बाहर वालों को आके परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं ट्राइब्स बहुत ज़्यादा है और ये fiercely इंडिपेंडेंट ट्राइब्स हैं तो यहाँ अगर फॉरेन जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज हुआ है फॉरेन यहाँ पे इन्वेजन बोल सकते हैं चाहे वो रशिया का हुआ हो या फिर यूएसएसआर का यूएस का ब्रिटिश का टर्क का इवन मंगोल्स का भी सब यहाँ पे आके डिफ़ीट हो जाते हैं अफ़ग़ानिस्तान में सेम चीज़ हो रही है यूएस के साथ तो यूएस फेस सेविंग मेजर के थ्रू किसी तरह वो बस यहाँ पे सम्मानपूर्वक बाहर निकलना चाहता है अफ़ग़ानिस्तान से और इसलिए वो तालिबान से बात करने के लिए भी तैयार है तालिबान क्या है तालिबान भी यहाँ पे एक रेबल दिस आउटफिट आउट है ये डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट नहीं है यहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है बट तालिबान के साथ भी अभी पीस टॉक हो रही है अब कुछ दिन पहले हमने ये पढ़ा था कंटूज ऑफ द एंड गेम इन अफगानिस्तान अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है यूएस पुल आउट चाहता है इंडिया कॉर्डियल और प्रेगमेटिक सोलूशन चाहता है सॉफ्ट पावर यूज़ करना चाहता है वेलफेयर और ह्यूमैनिटेरियन हम नो बूट्स ऑन ग्राउंड पॉलिसी हम फॉलो करते हैं अफगानिस्तान में और हम अभी तक ट्रेडिशनली तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते आए थे बट यहाँ पे अब तालिबान का प्रेजेंस भी बढ़ रहा है और जिस तरीके से यू का एंगल है तो अभी कुछ टाइम से तालिबान भी वहाँ पर था और इंडिया के फॉरन मिनिस्टर ने भी वहाँ पर दिस प्रजेंस था सो काइंड ऑफ रिक रिकोगग्निशन ऑफ तालिबान यूएस के जो स्पेशल एनवॉय थे ये जेलमी खालिजा इनकी भी अभी टॉक्स हुआ था ऑल दो कुछ आउटकम्स आए नहीं इसमें द पॉइंट इज़ अब यहाँ पर यूएसएसआर भी एक्टिव है यूएसए भी एक्टिव है चाइना का भी यहाँ पे अभी कुछ चाइनीज़ यहाँ पे डिप्लोमेट्स चाइनीज़ पीपल कॉट रेड हैंडेड वो कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे अफग़ानिस्तान में द पॉइंट इज़ सारे जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में पीस लॉ एंड ऑर्डर सेटल करने में और यूएसएसआर ने इंडिया को रोल इसमें इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं था जबकि जो यूएस है वो इंडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट मानता है अफगानिस्तान पीस स्टॉक में अब इसी के बीच में होती है हार्ट ऑफ एशिया समिट नाइन्थ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस ताजिकिस्तान में हुआ इंडिया हैज़ बीन सपोर्टिव ऑफ ऑल एफर्ट्स जो एक्सेलरेट करे डायलॉग एंड डिस्कशन और जो भी अफगानिस्तान का डिसीजन हो इंडिया की थ्योरी है कि वो अफगान लेड हो अफ़गान ओन्ड हो और अफगान कंट्रोल्ड हो मतलब इस पूरी प्रोसेस में जो सेंटर होना चाहिए वो अफ़गान होना चाहिए ना कि फॉरेन पावर्स एजुकेशन पावर जनरेशन इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे ही अभी शहतूत डैम है वहाँ की अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बनाना डैम्स बनाना रोड्स बनाना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना इन सब चीज़ों में इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है सो दिस इज़ वर्क इंडिया और इंडिया यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्लेयर होना चाहिए जो ये यूएस लेड मल्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया चाइना ईरान पाकिस्तान रशिया यू यूनाइटेड नेशन लेड प्रोसेस हो अपरेंट डाउन है फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजिशन जहाँ पे विलिंगनेस टू डील विद तालिबान भी अब दिख रहा है तालिबान का रिकोगशन हो रहा है यहाँ पे सो दीज आर सर्टन थिंग्स लेट लेटर सी अभी भी ये चीज़ फाइनल है नहीं अफगानिस्तान में बहुत अनसर्टेनिटी होती है आज एक चीज़ है कल दूसरी चीज़ हो जाएगी सो दैट इज वाई इंडिया भी बहुत केयरफुली यहाँ पे ट्रेड करना चाहता है स्टिल नो रिकोगशन ऑफ द थर्ड इयर ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑल दो इसमें थोड़ा क्रिटिसिजम है दिस इज टू एटी फाइनेंस कमीशन आर्टिकल टू एटी का एन के सिंह साहब का भी एक रिपोर्ट आया है फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन सी ये जो रिपोर्ट है इसमें डिवोल्यूशन ऑफ फंड की बात होती है आर्टिकल टू एटी आर्टिकल टू एटी में ये होता है कि जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ वो सादा गया सारा गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितना भी इनकम टैक्स आया है कॉरपोरेट टैक्स आया है अर्निंग हुई है गवर्नमेंट की उसका फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है ये सेंटर है और 28 हमारे स्टेट है तो इन 28 स्टेट्स को कुछ कुछ पैसा दो देन सारे स्टेट्स तो एक जैसे हैं नहीं यूएस तो है नहीं हम कि सारे 50 स्टेट्स आर इक्वल सम स्टेट्स आर हीज जैसे यूपी हुआ सम स्टेट्स आर स्मॉल जैसे गोवा हुआ तो एकॉर्डिंगलीर्डिंगली वहाँ की पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट स्कीम इम्प्लीमेंटेशन इंसेंटिव एक्सेट्रा एक तो होता है वर्टिकल डिवॉल्यूशन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन वर्टिकल डिवॉल्यूशन मतलब सेंटर टू स्टेट हॉरिजोंटल डिशन मतलब ऐसे एस ट्वेंटी एट ऐसे अट्ठाईस स्टेट्स और कुछ यूटीज भी हैं तो ये बात है इस फाइनेंस कमीशन का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स अब ये बात तो हो गई सेंटर और स्टेट की ऐसे ही हमारे यहाँ थर्ड टीयर है थर्ड टीयर क्या होता है पंचायती राज एंड नगर पालिका दिस म्यूनसिपैलिटीज पार्ट नाइन में है पंचायत पार्ट नाइन में म्यूनसिपैलिटी और इनके लिए हर पाँच साल में हमें इलेक्शन कराना है तो एक तो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन है और एक जैसे सेंटर में फाइनेंस कमीशन था ऐसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन है फाइनेंस कमीशन का काम क्या होगा कि जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी है इसको फाइनेंशियली वायबल रखना अब सी इंडिया में ऑल दो पंचायती राज कोई एक नया चीज़ है नहीं अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी देखें ना तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी ड्रेनेज क्लीनिंग एट्सट्रा ये बड़ा अच्छे से सिस्टमेटिकली प्लान था शुरुआत में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब भी हमारे यहाँ सम समूनसिपैलिटी या पंचायत थी बट इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी एक पैटर्न नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोगगनीशन नहीं था तो इसलिए फिर बलवंत राय मेहता कमेटी आती है फिर और भी बहुत सारी कमेटी आती है फिर थुंग कमेटी आती है फिर इनको बोला जाता है गार्डगेल एट्सट्रा कि आप इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करो तो फिर आता है दैवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट और पार्ट नाइन नाइन है और पंचायत और म्यूनसिपैलिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनली रिकगनाइज बॉडी बनती है अब कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मैंशन हो गया कुछ पावर्स होती है कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी है मतलब स्टेट थर्ड टीयर को यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स देगा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वॉल्टरी भी होते हैं ट्वेंटी नाइन से समथिंग पंचायत के हैं अट्ठारह से समथिंग म्यूनसिपैलिटी के अब अब क्या हुआ स्टेट अलग अलग होता है जो मैंडेटरी है वो तो किया है पर जहाँ बात आती है फाइनेंशियली वायबल बनाना इस थर्ड टीयर को तो उसमें स्टेट्स अक्सर डिवोल्यूशन ऑफ फंड नहीं करते तो ये वही बात हुई स्टेट पहले क्राई करते हैं कंप्लेन करते हैं कि सेंटर उनको प्रॉपर पैसे नहीं देता फिर स्टेट उस पैसे को आगे भी नहीं बढ़ाते कहाँ पर थर्ड टीयर पे थर्ड टीयर पे डिवोल्यूशन की बात आती है तो फिर स्टेट भी जैसा सेंटर प्ले करता है वैसा स्टेट प्ले करने लग जाता है तो जो थर्ड टीयर है ना वो अक्सर इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं जितना हमने सोचा था तो यहाँ पूरे आर्टिकल में ये बात है कि थर्ड टीयर जो है उसको वायबल बनाने के लिए ऑल द फाइनेंस कमीशन ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए प्रोविजन दिए बट दे आर नॉट सफिश दे नीड टू डू मोर ऑल दिन एक्सपेंडिचर टू लोकल ग्रांट्स एंड द फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन है ड्रिंकिंग वॉटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सैनिटेशन नेशनल प्रायोरिटी स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये सारी चीजें द पॉइंट इज These certain मेजर्स आर नॉट सफिशेंट और दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांड्स हैं परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांड्स मतलब क्या होता है जैसे कोई स्टेट है उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको ज्यादा डिवोल्यूशन दो कोई स्टेट है जिसने जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया तो उसको कम डिवोल्यूशन दो तो अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टेट तो उसको रिकोगनीशन भी मिलना चाहिए फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन में परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांड्स डिक्रीज हुई है नॉट गुड वर्टिकल डिवोल्यूशन इंक्रीज हुआ है विच इज़ गुड सैनिटेशन वाटर एमिटीज एटसेट्रा को जैसे बेटर इंप्लीमेंटेशन है तो बेटर ज़्यादा इनको डिवोल्यूशन होना चाहिए रिकोग्नीशन ज़्यादा मिलना चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पे इग्नोर हुआ है ये ज़रूरी होता है बिकॉज इससे मॉनिटरिंग होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है आर्टिकल की बात करें तो टू फोर्टी थ्री जी डब्ल्यू जेड डी ये फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं जैसे पीने का पानी पब्लिक हेल्थ केयर ये काम होता है म्यूनिसपैलिटी एटसेट्रा का मैंडेटेड है इलेवेंथ ट्वेल्थ शेड्यूल डिमांड में पब्लिक सर्विसेज एंड डिलीवरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस एट द लोकल लेवल तो ये चीज यहाँ पे मिसिंग है फिर एक अल्मा अटा डिक्लेरेशन की बात है इक्वेलाइजेशन प्रिंसिपल द इक्वेलाइजेशन मतलब जैसे इक्विटी होती है नीड बेस्ड नीड बेस्ड सपोर्ट होना चाहिए जैसे अभी अगर हम बात करें से उत्तराखंड का उत्तराखंड में जैसे अभी डिजास्टर आ गया तो उत्तराखंड ना इतना इकोनॉमिकली वायबल नहीं है स्टेट उत्तराखंड में अक्सर ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं ग्रोथ के पोटेंशियल कम होते हैं तो उत्तराखंड को ज्यादा हेल्प चाहिए बजाय तमिलनाडु के सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी होता है लोकल गवर्नमेंट पे फोकस जरूरी होता है इसी को हम बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी आर्टिकल फोर्टीन अब जो टॉक्स हैं यूनियन फाइनेंस कमीशन में उसमें भी ब्रॉडन किया गया था आर्टिकल टू एटी थ्री बी बी एंड सी में कि हम एक ऑर्गेनिक लिंक बनाए पब्लिक फाइनेंस का डेवलपमेंट प्रोसेस सारे टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट अगर हम एक्सपर्ट्स की देखें ना लक्ष्मीकांत यू हैव रेड डी डी बसों भी काफ़ी अच्छी बुक है डी डी बसों में कुछ जगह ये बड़े अच्छे से लिखा है कि हमारे यहाँ जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों फेल होता है सबसे बड़ा रीज़न जो फेल का होता है ना वो होता है फाइनेंस फाइनेंस हर जगह जो आखिर में बात सेटल होती है ना वो फाइनेंस में होती है अगर आपको से ट्राइबल्स को बेटर करना है उनको फाइनेंशियली स्टेबलाइज करिए अगर आपको म्यूनसिपैलिटी को बेटर करना है तो फाइनेंशियली स्टेबलाइज करिए पंचायत में भी और हम इसी जगह डिफीट हो जाते हैं इक्विटी इज द फाउंडेशनल रैशनल ऑफ़ अ फेडरेशन अबैंडनिंग टैक्स एफर्ट क्राइटेरियन इंसेंटिड डिपेंडेंसी इनफिशेंसी एंड नॉन अकाउंटेबिलिटी तो परफॉर्मेंस बेस्ड दिस इंसेंटिव होना जरूरी है जो अच्छा करेगा उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे जो बुरा करेगा उसको रिवॉर्ड्स क्या पनिशमेंट होगा ये चीज़ जरूरी होती है अब इसमें यह एक सवाल है इन सम इफ डिसेंट्रलाइजेशन इज मैन टू एम्पावर लोकल पीपल द प्राइमरी टास्क इज टू फिजकली एम्पावर लोकल गवर्नमेंट टू डिलीवर टेरिटोरियल इक्विटी एंड वी आर फार फ्रॉम दिस गोल दिस इज द प्राइमरी रीजन कि इतने सालों बाद भी हमारा जो थर्ड टीयर गवर्नेंस है वो इफेक्टिव नहीं है डिस्कस दिस क्वेश्चन अब इसमें आप ये जो 18 सब्जेक्ट है ना इनको देखिएगा 29 नाइन सब्जेक्ट्स एटीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शेड्यूल 11, 12 में क्या है पंचायती राज में क्या क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं म्यूंसिपैलिटी के क्या क्या रोल्स एंड ड्यूटीज़ होता है और एस्पेशली आप फाइनेंस पे फोकस करिएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी एक दो बात यहाँ पे आप लिख सकते हो सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे नॉर्म्स टू कैरी डेंजरस गुड्स टू बी रिव्यूड बट बिफोर दैट ये है अ स्टेप दैट एनहेंसेज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ जो बात है बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली की यूटी ऑफ दिल्ली लोकसभा का ये आर्टिकल बिल पास हुआ था टू थर्टी नाइन डबल एन टू थर्टी नाइन ए बी दिस टॉक्स अबाउट नेशनल कैपिटल टेरिटरी एन सी टी एन सी टी जो दिल्ली है इसकी खुद की हाईकोर्ट भी है इसके पास खुद एक सत्तर सीटों की विधानसभा भी है अब बिकॉज दिल्ली को ज्यादा पावर चाहिए बिकॉज ये एक यूनियन टेरिटरी है विद विधानसभा विधानसभा है यहाँ पे और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनता है अब ऐसे में यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो सेंटर अपॉइंट करता है उसका पावर भी अगर पैरल होने लग जाएगा चीफ मिनिस्टर का तो ऑब्वियसली क्लैशेज़ होंगे तो एक तरफ तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है दूसरा सेंट्रली अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर है इनमें पावर टसल हो रहा है और इसी के बैकड्रॉप में ये आर्टिकल आया जिसमें दिल्ली में गवर्नमेंट को बोल दिया मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर तो काइंड ऑफ चीफ मिनिस्टर को जो भी काम करना है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू करना होगा तो दिस गोज अगेंस्ट दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यस और नो ये यहाँ पे बात है अ स्टेप दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिस इज री एग्जामिनिंग दी एफ टैक्स रूल अभी ढाई लाख का जो कैप था उसको बढ़ा के पांच लाख कर दिया देन अब उसको फिर से बात है इधर बहुत ज्यादा अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज में अनसर्टेनिटी लग रहा है जैसे कल आपने देखा ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स के एक परसेंट तक इन्होंने कट किया देन मॉर्निंग में फिर ट्वीट आया कि नो अभी वापस बैक टू बेसिक्स पहले जैसा ही रिस्टोर हो गया अभी अनसर्टेनिटी है जैसे पहले ढाई लाख का था फिर पाँच लाख किया लेट एस सी अ डाउनवर्ड स्पायरल इन असम दिस इज अबाउट इलेक्शन टर्की ऑन एज टर्की एंड दिस इज स्टेप्स टू प्रिवेंट डबल वोटिंग मोरलिटी mortality, पॉजिटिविटी रेट राइजिंग इन साउथ Mortality मतलब कोविड हुआ कितने लोगों का mortality डेथ हुआ पॉजिटिविटी रेट क्या होती है कि कितने लोगों का टेस्ट कर रहे हैं और उनमें से पॉजिटिव कितने आ रहे हैं पॉजिटिविटी रेट ये दोनों बढ़ रही है साउथ में नॉर्म्स to carry dangerous goods to be reviewed. Dangerous goods. Standard operating procedure. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर केस स्टडी में अभी इंटरव्यू में कोई रैंडम क्वेश्चन पूछा ये बड़ा सेफ आंसर है आप बोल सकते हो आई एल फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आई एल फॉलो जो रूल बुक बोलती है आई विल टॉक टू माई सीनियर्स आई विल टेक गाइडेंस फ्रॉम माई हायर ऑफिशियल्स यू कैन इजीली से दीज थिंग्स और ये ऐसी चीज़ है इसको कोई काउंटर नहीं कर सकता दीज आर गुड सो नॉर्म्स टू कैरी डेंजरस गुड्स टू बी रिव्यू तो रेलवेज अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपडेट कर रही है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टिंग दिस डेंजरस गुड्स जैसे इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर हमने स्टायरिन गैस लीक देखा था विशाखापटनम में ये ऐसे केमिकल हेजार्ड हैं केमिकल डिजास्टर इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है उसके बैकड्रॉप में रेलवे अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपडेट कर रही है दिस इज द टेस्ट ऑफ फॉर सी ए ब्लिस्टरिंग बैटल है नंदी ग्राम एंड दिस इज दिस इज द नेक्स्ट वन एक्सपर्ट कमिटी विल रूल ऑन स्पुतनिक फाइव वॉट इज स्पुतिक फाइव रशिया की वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन का वेस्टेज बिलो वन परसेंट रखें बिकॉज वैक्सीनेशन का से इनकी शेल्फ uh, लाइफ कितनी है छः महीने आठ महीने कुछ होती है मैनुफैक्चरिंग के बाद देन इसको कम टेम्परेचर पर रखना पड़ता है अदरवाइज़ ये इनफेक्टिव हो जाती है तो वेस्टेज को कम करें कोवैक्सिन की सप्लाई ब्राज़ील को हिट हो गई है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मिलिट्री फॉर्म्स शट डाउन आफ्टर 132 थर्टी ईयर कई बार एसएसबी वगैरह में इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं मिलिट्री का रोल क्या होना चाहिए व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द रोल ऑफ मिलिट्री 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 जब पहले डिज़ाइन हुआ था ना हमारी मिलिट्री में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है बहुत सारा जो मिलिट्री वर्क है ना वो हमारा ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है वही प्रैक्टिसज वही रोल्स वही ड्यूटीज इस टाइप से मॉडर्न वॉरफेयर में इसका रिवैम्प एंड रिफॉर्म ज़रूरी है एक चीज़ होती है कि मिलिट्री का रोल क्या है तो मिलिट्री ऐसा अज्यूम होता है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट एक कंप्लीट यूनिट हो तो इसलिए मिलिट्री अलाइड एक्टिविटीज़ में भी थी जैसे ये मिलिट्री फॉर्म्स हैं डेरी एट्सेट्रा भी है बट बाद में ये एक शेकटकर कमेटी आई शेकटकर कमेटी ने कहा कि मिलिट्री का काम मिलिट्री है डिफेंस फाइट एट्सट्रा ये जो दूसरे काम है ना सिविलियन वर्क है ये मिलिट्री को नहीं करना चाहिए तो इसीलिए फिर धीरे धीरे यहाँ पे दिस स्टेप डाउन हुआ और मिलिट्री ने ये फॉर्म भी शट कर दिया आफ्टर ईयर दिस दिस इज इज मूव टेकन टू डिफेंस एक्सपेंडिचर एज वेल सो वन थिंग जॉब ऑफ मिलिट्री क्या है डिफाइन प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल लॉ ऑन डिवोर्स एंड एलमनी एंड दिस इज रेडी प्लेयर वन बिरयानी वेजिटेबल बिरयानी पुलाव होता है अ पोलिटिकल बिरयानी दिस इज क्रॉस ओवर इडली क्या होते हैं ये प्लांट्स होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा नहीं होता जैसे ट्रीज भी है बट आप उनको ऐसे यहाँ पे पॉट्स में यहाँ पे कर सकते हैं गमलों में जो बाइडन है सेट टू अनाउंस डॉलर टू ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान इज जो बाइडन एंड शी इज वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस ब्राज़ील मिलिट्री चीफ क्विट आफ्टर बोलसोनारो यहाँ के चीफ हैं फायरस डिफेंस मिनिस्टर फाइजर की वैक्सीनेशन 100 परसेंट इफेक्टिव है एडोलोसेंट में सू इज़ लुकिंग गुड हर हेल्थ इज़ गुड बट म्यांमार की हेल्थ अच्छी नहीं है इटली एक्सपेल्स रशियन आफ्टर नेवी ऑफिसर दिस इज़ नेपाल नेपाल में भी टर्बुलेंस है अभी बहुत ज़्यादा और यह है सऊदी यहाँ एक कंट्री है यू ए ना बहुत ज़्यादा ख़ुद को डाइवर्सीफाई कर रहा है मॉडर्नाइज़ कर रहा है सेम है कतर कतर की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो रही है टूरिज्म गैस एट्सेट्रा बट जो सऊदी है ना वो थोड़ा पिछड़ रहा है तो सऊदी भी अब ये चाहता है कि वो डाइवर्सिफाई करे ऐसा नहीं कि सऊदी मतलब ऑयल ऑयल नहीं ऑयल के अलावा टूरिज्म हो फाइनेंस हो एट्सेट्रा सऊदी इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमी बिकॉज जो ऑयल है फॉसल फ्यूल है इसका एक फिक्सड लाइफ है इट विल बी गॉन सो सऊदी वांट्स टू डाइवर्सिफाई और इसके लिए ये डॉलर थ्री पॉइंट टू ट्रिलियन का नेशनल इकोनॉमी टू थाउजेंड थर्टी तक ये इन्वेस्ट करेगा थ्री पॉइंट टू ट्रिलियन इकोनॉमी में ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो पाए यहाँ की इकोनॉमी का प्राइवेट सेक्टर का भी इम्पोर्टेंट रोल होगा यहाँ पे फ़रवरी का फिजिकल डेफिजिट इन्फ्लेशन टारगेटिंग होनी चाहिए फोर प्लस माइनस टू परसेंट इन्फ्लेशन इंडिया की जी डी पी सेवन पॉइंट फाइव टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ग्रो हो रहा है वर्ल्ड बैंक ने कहा न्यू वेव वेरियंट जो है वो भी कंडीशन अप्लाइड कोविड ज्यादा होगा तो ग्रोथ फिर से इम्पैक्ट होगी कोर सेक्टर का आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फोर पॉइंट सिक्स परसेंट फेबररी में रिफाइनरी सी डीप डिक्लाइन ऑफ टेन पॉइंट नाइन परसेंट कोर सेक्टर टिप डाइवेस्टमेंट जरूरी है और स्पाइस जेट और पेरामिल बाय कर रहा है पैप्टाइड एपीआई पी दिस हेमो और ये है दिस स्पोर्ट्स दिस इज स्पोर्ट्स दिस इज स्पोर्ट्स बेल्जियम नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडियन एक्सप्रेस फर्स्ट है ये इंटरेस्ट रेट का ये गवर्नमेंट ने सुबह रोल बैक कर दिया है इसे अमिड कोविड सर्ज है एंड दिस इज गुजरात कॉप्स एंड दिस इज़ पॉलिटिकल न्यूज़ फ्रंट पेज सेकेंड जो पेज है यहाँ पर है जम्बो रीओपनिंग स्टाफर्स हैं दिल्ली जू में सैनिटाइज कर रहे हैं प्रेमाइस को अ डे अहेड ऑफ इट्स रीओपनिंग आफ्टर अ ईयर This is Delhi zoo Then this is Karol bag Government. ab yahan pe Butterflies aa rahi hain Government Schools mein Rohingya Camp. Forest Department Satellite Images la raha hai Ridges to show forest growth. Forest growth. Southern Ridge mein See Hospitals. अभी हमने Hospital Fires देखा था. एक प्रश्न भी तैयार किया Hospitals. This is charred remains of equipment and ICU wards. अफगान जंग में भी अभी Hospital में fire हुआ. हॉस्पिटल ना वलनरेबल होते हैं फायर्स के लिए एक तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑल मतलब आग जल्दी कैच करेगा देन यहाँ पे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको मूव कराना डिफ़िकल्ट है देन काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है वो भी कंजस्टेड होता है तो हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो वलनरेबल रहते हैं फायर हेजार्ड में फायर यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना बहुत बड़ा ज़रूरत है सफ जाऊँ बांधवगढ़ है यहाँ पर भी नेशनल पार्क में फायर आउट ऑफिशियल से एनिमल सेफ दिस इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क वाइट टाइगर वाइट टाइगर ये फेमस है यहाँ पे सबसे पहले मिला था वाइट टाइगर देन दिस इज इंडियन एक्सप्रेस दिस इज क्रूसिबल बेंगोल स्टार एंड दिस इज शाइनिंग अ लाइट ये सब पॉलिटिकल न्यूज है सेफ्टी बाय एग्जाम्पल जोन्स ऑफ एक्सेलेंस रोड सेफ्टी रोड सेफ्टी आई इज रीडिंग वन डेटा उसमें लिखा था कोविड नाइन्टीन डिसीजेज़ इन सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी होती है ना वो होती है दिस रोड रोड एक्सीडेंट से रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और इसमें हम इंडियंस की रेपुटेशन बहुत ख़राब है सो ऑल रोड्स इन दिस जोन ऑफ एक्सीलेंस शुड बी प्रॉपरली लेन मार्क गाड़ी भी आप चलाते हो हाईवे में अपनी लेन पे चलना चाहिए ये नहीं कि दिग्जैग ऐसे कर रहे हैं लेन मार्ग जीबरा मार्क जो क्रॉसिंग है उसको फॉलो करें साइन पोस्ट को फॉलो करें मार्किंग और जो साइनेज है शुड इन एडिशन पिक्टोरल इमेज होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन होने चाहिए इन वर्ड्स फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग रेगुलर एजुकेशन भी ज़रूरी है रोड यूजर्स का रोड यूजर्स का और इन पेडेस्ट्रियंस का भी और सबसे ज्यादा इन टू व्हीलर्स का ये टू व्हीलर्स भी बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं देन डेडिकेटेड कॉरिडोर फॉर इमरजेंसी व्हीकल्स मस्ट बी मार्क न्यूसेंस इन द सेंस लेन शिफ्ट होता है इनको गाड़ी यहाँ से भी ओवरटेक हो रहा है ये भी ओवरटेक हो रहा है तो इससे क्या होता है एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो जोन ऑफ एक्सीलेंस इज इम्पॉर्टेंट एंड ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करना जरूरी है जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने दिस हाई बीम अपर बीम और लो बीम का भी देखा था अगर आप सिटी में हो तो हाई बीम नहीं रखो इससे क्या होगा सामने से जो आ रहा है ना वो ब्लाइंड हो जाता है एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं देन हॉर्न्स वगैरह में भी अननेसेसरी दिस हॉन्किंग शुड बी अवॉइडेड रोड रेज एक टर्म होता है रोड रेज दिस शुड बी अवॉइडेड Beyond with U.S. or against U.S. U.S. policies, Quad is necessary, but Quad ka matlab ye nahi का मतलब ये नहीं है कि इंडिया अपनी sovereignty करेगा. MTP law कॉम्प्रोमाइज करेगा pfizer ne पी covid vaccine protect kar ने कहा कोविड वैक्सीन प्रोटेक्ट कर सकती है किड्स g7 यंग एस ट्वेल्व tough with china china सेवन टाइम टू गेट अप विना चाइना बाइडन ने दिस टू ट्रिलियन प्लान किया है बट रिपब्लिकन इसको इजीली पास होने देंगे नहीं बाइडन मतलब डेमोक्रेट्स

कॉटन और शुगर का वर्ल्ड में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इंडिया से वो इजी कम प्राइस पे इंपोर्ट करा सकता है तो इसलिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है गूगल मैप से नज यू टूवर्ड्स ग्रीनेस्ट रूट टू योर डेस्टिनेशन दिस इज रैशनल एंड सेंसेक्स रैली हुआ सिक्सटी ऑन लिक्विडिटी रिकॉर्ड एफ फ्लो रिकॉर्ड एफ फ्लो पी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फूड प्रोसेसिंग मैपसी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग फ़ूड प्रोसेसिंग वाई बिकॉज हमारी एग्रो इकोनॉमी है बट एग्रो इकोनॉमी में प्राइस रियलाइजेशन बहुत कम है अगर हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो जैसे फ्रूट से हमने जैम बना लिया फ्रूट जूसेस बना लिए मिल्क से हमने चीज़ एट्सट्रा कुछ बना लिया तो बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी शेल्फ लाइफ बेटर होगा आप उसको एक्सपोर्ट कॉम्पलाइंट होगा फाइटोसैनिटरी मेजर्स वो कॉम्प्लाई करेगा यूरोप के तो बेटर आपको पैसे मिलेंगे उसके तो इसीलिए हम फूड प्रोसेसिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल मैरिन प्रोजक्ट्स प्रोडक्ट्स मोजरेला चीज़ है ये सब इतने करोड़ रुपए का अभी गवर्नमेंट बहुत फुल थ्रोटल यहाँ पे दिस इन्वेस्टमेंट कर रही है और एनकरेज कर रही है फूड प्रोसेसिंग को जैसे कि ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं इनको हम प्रमोट करें रसना एट्सट्रा ये सारे प्लेयर्स हैं इनकी एक्सपर्टीज भी हम ले सकते हैं द पॉइंट इज दो चीज़ों में हम अक्सर पिटते हैं एक तो हमें ब्रांडिंग प्रॉपर करनी चाहिए और मार्केटिंग भी करनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स का जैसे ट्राइबल्स होते हैं ट्राइबल्स के भी कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ट्राइबल प्लेसेस का हनी हुआ गुड़ हुआ और ऐसे कुछ इनके एडिबल प्रोडक्ट्स भी हैं दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं इनकी अगर ब्रांडिंग हो मार्केट रीच प्रॉपर मिले तो बेटर प्राइस डिस्कवरी हो पाएगी हम जीआई टैग दे सकते हैं इन्हें टेलर मेड हमें पॉलिसी बनानी चाहिए एमएसएमई को जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं इनके लिए So this is food Then, इतना कर रहा है फोर स्टेट इसमें टारगेटिंग इन्फ्लेशन का होगा फोर प्लस माइनस टू कोर सेक्टर आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फोर पॉइंट सिक्स कोर सेक्टर मतलब कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर स्टील सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिक्स पॉइंट फोर परसेंट देन ये इकोनॉमी का कुछ कंडीशन यहां पर दिया हुआ है इंडियन इकॉनमी सी इंडियन इकोनॉमी बाउंस तो हो रही है रिबाउंड है बट अभी भी आउट ऑफ वुड्स नहीं है खतरा टला नहीं है कोविड वापस आ रहा है इंडियन इकॉनॉमी वी शेप्ड रिकवरी जो थी ये अभी भी हम होपफुल हैं लेट अस सी प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ क्या है डिक्लाइन हुआ है एन बी एफ सीज शॉक फाइनेंशियल सेक्टर को लगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज प्री एग्जिस्टिंग वीकनेस भी थी इन तीन कारण के कारण हमारे यहाँ मेजर प्रॉब्लम आया इकॉनॉमी को क्लोज्ड स्लो डाउन कॉज्ड स्लो डाउन बट वैक्सीनेशन कैम्पेन है रिस्ट्रिक्शनज हैं इकॉनमी रिकवर हो रही है जी डी पी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलीफ पैकेज कैसा होगा बूस्टर डोजेज क्या होंगे अभी अनसर्टेनिटी है फ्यूचर ब्राइट दक दिख रहा है बट अनसर्टैनिटी है कोविड का क्या इम्पैक्ट होगा विल हैव टू सी तो वर्ल्ड बैंक ने अपना काम किया है डेटा रिपोर्ट निकाला है और कहा है कि फ्यूचर इज ब्राइट बट कंडीशन अप्लाइड ना ये हिंदी आर्टिकल है दो आर्टिकल होते हैं अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116। आज का सवाल आपका सेकंड ये है हाउ बजट इज पासड इन दार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बजट लिखा नहीं है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है फिर अप्रोप्रिएशन एक्ट भी होता है अप्रोप्रिएशन एक्ट इससे क्या होता है हम साल भर में कितना पैसा आया कितना खर्चा हुआ आगे का क्या हमारा एस्टिमेट्स है ये एक पूरा लेखा जोखा होता है दैट इज बजट इसमें एक होता है तो आपने शुरू में बता दिया मुझे इतने पैसे चाहिए सौ रुपये चाहिए बट ओवर द ईयर आपने देखा वो सौ रुपये से तो काम हो नहीं रहा है या इसमें एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे या इस सौ रुपये को मेरे को किसी दूसरे स्कीम में ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए ये सारी एडिशनल एक्सेस एक्सेप्शनल और टोकन ये ग्रांट्स होती है अनुच्छेद एक बोलता है अनुपूरक अधिक और अतिरिक्त अनुदान और एक सो बोलता है वोट्स ऑन अकाउंट जैसे बजट पास हुआ बजट पास होने में थोड़ा टाइम लगेगा बट सरकार को तो तुरंत पैसे चाहिए तो से वो वन सिक्स ऑफ टोटल जो डिमांड है उसको पहले ही विड्रॉ कर लेगा ऐसी चीज़ें होती है अब सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रैंड क्या होता है सप्लीमेंट्री हम जैसे एग्जाम में सप्लीमेंट्री लिखते हैं एक शीट मिला वो पूरा भर गया हमको सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए तो दिस इज सप्लीमेंट्री जब किसी सरकारी व्यय हेतु तो विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाती है तो अनुपूरक अनुदानों की मांग होती है हमको सौ रुपए मिले थे बट सौ रुपए में काम हुआ नहीं तो हमको सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए एडिशनल एडिशनल मतलब कुछ नया आया है यह तब प्रदान की जाती है जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई अब आपको ए टू बी जाना था आपने पेट्रोल के हिसाब से बोल दिया सौ रुपये लगेंगे बट बीच में टोल नाका भी आ गया तो अब आपको एडिशनल कुछ खर्चा हो गया तो ये हो गया एडिशनल ये एडिशनल है इसमें कुछ एडिशनल नहीं था जो बताया था वही ओवर हो गया एडिशनल में एडिशनल आपको खर्चा हो गया एक्सेस इस प्रकार के अनुदान की मांग तब रखी जाती है जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित राशि से ज्यादा राशि व्यय हो जाती है खर्चा हो गया वित्त वर्ष के उपरांत इस पर लोकसभा में फिर से मतदान होगा और उसके बाद इस अधिक अनुदान जो है वो अगर अनुमति मिल जाती है मंजूरी मिलती है तो फिर आपको ये मिल जाएगा एक्सेस एक्सेप्शनल ग्रांड एक्सेप्शनल ग्रांट, ग्रांट क्या होती है विशेष कुछ एक्सेप्शनल चीज हो गया उसके लिए मंजूर की होती है ये वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होती है टोकन ग्रांट क्या होता है एक हेड से दूसरे हेड अगर पैसा ट्रांसफर करना है कि आपको से फूड के लिए था बट आपने उसको स्टडी में लगा दिया तो वो टोकन ग्रांट से आपने ए टू बी पैसा ट्रांसफर कर दिया दैट इज टोकन तो दिस इज टोकन ग्रांट फ्रॉम वन हेड टू अनदर एक्सेप्शनल ग्रांट कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज एक्सेस ग्रांट मतलब निर्धारित राशि से ज़्यादा राशि आपने एक्सपेंडिचर कर दिया तो वो एक्सेस ग्रांट होती है इसकी मंजूरी मिलना आपको अनिवार्य होता है एडिशनल ग्रांट क्या होती है कि कुछ नई फैसिलिटी आ गई तो एडिशनल सप्लीमेंट्री है मतलब वो अपर्याप्त है उस काम को करने के लिए सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस एक्सेप्शनल एंड टोकन ग्रांट वन वन फाइव एंड वन वन सिक्स ये सी सेट है अच्छा ये सवाल है आपका बजट कैसे पास होता है पार्लियामेंट जैसे स्पीच देखा था हमने सीतारमन मैम का स्पीच था फिर स्पीच होता है फिर रेसेस होता है फिर डिस्कशन होता है फिर उस पर वोट्स होता है फिर स्टैंडिंग कमिटीज होती है फिर अप्रोप्रिएशन एक्ट आता है फिर बजट पास होता है बजट एक्ट तो ये पूरे स्टेप्स आप लिखिए पास इन पार्लियामेंट लक्ष्मीकांत अगेन काफी अच्छे से ये स्टेप्स वहां पे दिए हुए हैं देन दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन अगर ए हज़ार है तो बी नौ सौ है बी आठ सौ है तो सी सात सौ है अब अगर हम बी को इक्वेट कर दें तो ए और सी भी इक्वेट हो सकते हैं तो हमने बी आठ सौ पे सात सौ है तो बी नौ सौ पे सी कितना होगा तो हमने इसको नाइन बनाया और उसके अकॉर्डिंग सी आ गया अब तीनों आ गए हमारे पास ए हज़ार है बी नौ सौ है तो सी कितना हो गया सेवन एटी सेवन पॉइंट फाइव अब ए टू सी का हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे दो सौ बारह दशमलव पाँच 600 मीटर की रेस में वो कितना इम्पैक्ट होगा 127.5 यूनिटरी मेथड सो द आंसर इज 127.5 जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना तो जो कॉमन है उसको इक्वेट करना है हमें इसको हम 900 बना बनाते हैं तो ये 800 पे 700 है तो 900 पे सात हो जाएगा अब हज़ार नौ सौ सात और ए और सी का रिलेशन आएगा और ये हज़ार पे था छः पे ये आ जाएगा सो दिस इज वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव बी पच्चीस मीटर रन करता है तो ए फोर्टी फाइव बाई टू करता है बी हज़ार करता है तो ए कितना करेगा यूनिटरी मैथड नाइन हंड्रेड तो बी ने बीट ए को किया बाय हंड्रेड मीटर बिकॉज इसने हज़ार रन किया तो इसने नौ सौ रन किया तो बीट कितना हुआ हंड्रेड मीटर से ये भी बड़ा आसान सवाल था बी पैंतीस मीटर रन कर रहा है सात सेकेंड में तो बी दो सौ मीटर कितने में कवर करेगा चालीस सेकेंड में और बिकॉज ए उस जीता था तो ए सात सेकेंड कम करेगा

इंक्लूडिंग स्टॉपेज एवरेज स्पीड फोर्टी किलोमीटर पर आर हो गई मतलब स्टॉप मतलब ब्रेक लगा उसको रुकना पड़ा कुछ समय के लिए तो एवरेज स्पीड बढ़ गई बिकॉज टाइम बढ़ गया फॉर हाउ मेनी मिनट्स द बस स्टॉप पर आवर तो एक घंटे में कितने स्टॉपेजेस होंगे अगेन इजी क्वेश्चन सॉल्व पर्सन एक्स है स्टार्टेड एट थ्री आवर अर्लियर एट फोर्टी किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ प्लेस पी अनादर पर्सन है वाई उसने उसको फॉलो किया सिक्सटी किलोमीटर पर आवर से स्टार्टेड हिस्स जर्नी थ्री ओ क्लॉक पे आफ्टरनून पे वॉट इज द डिफरेंस इन टाइम एक्स वॉज थर्टी किलोमीटर ये सी सेट सोलूशन है ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैंड है इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन जू ओपन हो रहा है फूड प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलिट्री का रोल जो बाइडन ये भी इंपॉर्टेंट है थर्ड इयर ऑफ गवर्नेंस This is Afghan Graveyard of Empire, the second wave in India Pakistan trade ties. So, this is the 1st of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.